काली। चंद्र कहाँ है? चंद्र? मुझे नहीं पता चंद्र कहाँ है। वो कल रात को वो यहाँ नहीं आया, मुझे तो लगा कि वो तुम्हारे पास होगा। कल रात वो मेरे साथ भी नहीं था। नहीं था? फिर कहाँ गया? बा चंद्र, चंद्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माता की सौगंध, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया। क्या हुआ, तुम इतनी क्रोधित क्यों? धोखेबाज हो तुम चंद्र, धोखेबाज। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? तुम बताओ चंद्र, तुम क्या कर रहे थे उसके साथ? अब वो हेलेना, ये हमारे पति हैं और इनसे ऐसे? अच्छा हेलेना, अब मुझे बताओ कि तुम किस विषय में बात कर रही हो? मैंने किसके साथ क्या कर दिया? हमारी दुश्मन की बेटी नंदिनी के साथ। क्या ये सच नहीं कि कल तुम दोनों हमाम में थे? और ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच जो तुमने उसके भाई धनानंद की सजा माफ कर दी? हेलेना, तुम्हारी मति मारी गई। तुम इस सोच भी कैसे सकती हो कि मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूँ? वो मेरी शत्रु की बेटी है, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर तुमने सारी बांधियों को हमाम से बाहर क्यों भेज दिया? हाँ, मैंने सारी दासी को वहां से दूर किया, किंतु किंतु क्या क्या चंद्र? मेरी माँ ने कहा था कि लड़की मेरी जिंदगी में काटी फूटेगी और वो वही कर रही है। कहा था मेरी माँ ने कि नफरत कब मोहब्बत में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और वही हो रहा है। उस नंदिनी ने मलिक को भी ऐसे ही फंसाया था, वो तुम्हें फंसा रही है। हेलेना, तुम मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो। मानता हूँ कि मैं उस लड़की को स्नान गृह लेकर गया, किंतु उसे वहां लज्जित करने के लिए, उसे ये आभास कराने के लिए कि वो कितनी असहाय है। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मेरे मन में उसके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा? मैं जीवन भर उससे घृणा करूंगा। ये भूलना मत उसके पिता ने क्या किया था मेरे परिवार के साथ। चंद्र, चंद्र, मुझे माफ कर दो चंद्र। मैंने तुम्हें गलत समझा, शक किया तुम पर मैं क्या करती चंद्र? उस नंदिनी से मुझे इतनी नफरत है कि उसका नाम सुनते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। पर अब मैं जान गई हूँ चंद्र कि नंदिनी के लिए जो तुम्हारे अंदर नफरत है वो कभी मोहब्बत में नहीं बदल सकती। मुझे माफ कर दो चंद्र, मैंने तुम्हें इतने सारे जख्म दिए। मैं अभी बुला। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माफ कर दो, बेवजह मैंने तुम्हें इतने सारे ताने दे दिए। लेकिन मैं करती भी तो क्या? उस नंदिनी से मुझे इतनी नफरत जो है, पर मैं खुश हूं क्योंकि मैंने जो भी सोचा था वो सब कुछ सच नहीं है। अरे, ये क्या है हलना? तुम्हें नंदिनी से जलन हो रही है, पर क्यों? तो क्या हुआ अगर वो चंद्र के पास गई थी? उसे तुम्हें इतना क्यों बुरा लग रहा है? नहीं, मुझे चंद्र पसंद तो नहीं? जगह उसकी है जो मेरे दिल के बेहद करीब है। महाराजा चंद्रगुप्त के शासन में ऐसा कैसे हो सकता है? अब क्या हो गया?
अनर्थ हो गया। चंद्र, एक स्त्री सबके सामने अपने पति को पीट रही थी और उसका पति चुपचाप मौन धारण करके खड़ा रहा। तुम बताओ क्या ये उचित है? कदापि नहीं, किंतु ऐसा हुआ किसके साथ? मैं किसी और के बारे में नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। हेलेना, तुम पे प्रहार किए जा रही थी किंतु तुमने उफ तक नहीं किया। किस तरह के राजा हो तुम? अपनी पत्नी से पिटते रहे। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। मैं कर भी क्या सकता था? तुम तो भली बात ही जानते हो कि इसका स्वभाव कैसा है। तुम्हें भी तो भय लगता है ना उससे? मुझे उससे भय नहीं लगता। मेरा बस चले तो मैं उसे उसे क्या उसे जोर से चिल्लाती। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे चंद्र को हाथ लगाने की? तो फिर ऐसा किया क्यों नहीं? ऐसा किया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम दोनों के मध्य में नहीं आना चाहती थी। तुम अपनी सहायता खुद भी तो कर सकते हो। वो भी सत्य है, किंतु दुर्धारा, तुम भी मेरी पत्नी हो, तुम्हारा भी अधिकार है मुझ पर। और अधिकार के नाते क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि अगर कोई तुम्हारे पति के साथ दुर्व्यवहार करे तो तुम उसकी सहायता करो? हाँ हाँ हाँ, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं मध्य क्यों नहीं आई? क्योंकि अगर मैं मध्य आती तो लोग ये कहते कि महाराज चंद्रगुप्त अपनी पत्नी से इतने भयभीत हो गए कि उन्हें अपनी दूसरी पत्नी की सहायता लेनी पड़ी। वैसे तुम्हारी पत्नी बनने में मुझे कोई समस्या नहीं है, किंतु उस हेलेना की सौतन बनने का बड़ा कष्ट है मुझे। अब मेरा तात्पर्य ये है, मैं हेलेना से नहीं डरती, किंतु मुझे उस नंदिनी की बड़ी चिंता है। चंद्र, समझ रहा हूँ मैं। समझ रहे हो ना? प्रश्न पूछूं तुमसे? पूछो। ये यवन लोग भोजन में क्या खाते हैं? तात्पर्य ये है कि हेलेना भोजन में ऐसा क्या खाती है जो उसका ताप सदा चढ़ा रहता है। तुम्हें रहस्य की बात बताता हूँ, किसी को बताना मत। हेलेना मनुष्यों का कलेजा खाती है। क्या? हाँ, यदि तुम ध्यान दो तो महल में से एक एक दासी लुप्त हो रही है। वो क्या कर रही है? कहाँ जा रही है? हेलेना दासियों को काट के मार डालती है और फिर उनका कलेजा खा जाती है। वो दासियों का कलेजा खाती है, तभी तो उसके मस्तिष्क में इतना क्रोध और इतनी क्रूरता भरी हुई है। क्या कह रहे हो? हेलेना दासियों का कलेजा खा जाती है? धीरे बोलो, यदि हेलेना के कानों तक ये बात पहुंच गई तो क्या पता अगली बारी तुम्हारी हो। नहीं नहीं, कदापि नहीं। अब भय लगा हेलेना से? हाँ, मुझे उससे अत्यंत भय लग रहा है। मैं उसके निकट कभी नहीं जाऊंगी। तुम भी उसके निकट मत जाना। महाराज अपनी रानी से शर्माया नहीं करते। मुझे यहां क्यों बुलाया? मेरा एक काम करोगे? जरा मेरी कमर पोंछ दोगे? अब क्या चल रहा है इसके मन में, किंतु मैं मना भी नहीं कर सकता। अंततः मेरी पत्नी जो है,
मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जब से हमारा विवाह हुआ है हमने केवल एक ही रात साथ बिताई है। एक अरसा हो गया है तुम्हारे साथ वक्त गुजारे, इसलिए मैंने सोचा आज रात हम साथ गुजारें। वैसे तारीफ करनी होगी तुम्हारी, तुमने मेरा बदन बहुत अच्छे से पूछा। और कुछ कहना है या मैं जाऊं? धन्यवाद। अब तो ये मुझे अपने कक्ष में बुला रही है, अब तो मैं किसी भी कारण मना भी नहीं कर पाऊंगा। आज रात मुझे तुम्हारे दिल में जगह बनाने से कोई नहीं रोक सकता चंद्र। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।